को मेरा प्रणाम। मैं अंशु पाल आज के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मधु जी से कार्यक्रम के शुरू करने की प्रारंभ करने की अनुमति चाहती हूं। जी 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 शुरू करिए, अनुमति है। प्रणाम सर। प्रणाम सर। शुरू करिए अंशु जी, अनुमति है, अनुमति है, शुरू करिए। जी सर, जैसा कि हम सब जानते हैं 1947 में आज के ही दिन हमने आजादी प्राप्त करी थी, तो उसी पर आजादी की संध्या पर ही आज हम ये अपना कवि सम्मेलन शुरू कर रहे हैं। और जैसे कि अध्यक्ष जी ने अनुमति दे दी है तो मैं कार्यक्रम प्रारंभ करती हूँ। और कोई भी अच्छा काम, क्योंकि हम ईश्वर की आराधना से शुरू करते हैं, तो आज्ञा दे तो आज के सरस्वती वंदना में शुरू करती हूँ और उसी से हम प्रारंभ करते हैं आज का ये कार्यक्रम। ऐसी वाणी हमें देना माँ, झूम जाए ये सारा जहां। ऐसी वाणी हमें देना माँ, झूम जाए ये सारा जहां। बुद्धि भी मिले, सिद्धि भी मिले, देना ज्ञान का वो आसमां। देना ज्ञान का वो आसमां। ऐसी वाणी हमें देना माँ, झूम जाए ये सारा जहां। बुद्धि भी मिले, सिद्धि भी मिले, देना ज्ञान का वो आसमां। कर स्वीकार मेरी वंदना, अब हो लुप्त मेरी स्पंदना। कर स्वीकार मेरी वंदना, अब हो लुप्त मेरी स्पंदना। मन करोगन करूं तेरी जोगन रहूं, तेरी भक्ति से रंग दूं जहां। मन करोगन करूं तेरी जोगन रहूं, तेरी भक्ति से रंग दूं जहां। करना वाणी को इतना नरम, हो मधुरता का जैसे चरम। बुद्धि भी मिले, सिद्धि भी मिले, देना ज्ञान का वो आसमां। ऐसी वाणी हमें देना माँ, वो उजाला सदा शब्दों का। और हो जीवा में पहरा तेरा, हो उजाला सदा शब्दों का। और हो जीवा में पहरा तेरा, तुझसे विनती करूं मैं यू लिखती रहूं। अपने चरणों में देना जगा, तुझसे विनती करूं मैं यू लिखती रहूं। अपने चरणों में देना जगा, सब पे हो जाए तेरा करम। चाहे देर हो चाहे हरम, सब पे हो जाए तेरा करम। चाहे देर हो चाहे हरम। बुद्धि भी मिले, सिद्धि भी मिले, देना ज्ञान का वो आसमां। ऐसी वाणी हमें देना माँ, ऐसी वाणी हमें देना माँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर सरस्वती वंदना। और बस मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा कि आज की संध्या बहुत महत्वपूर्ण संध्या है। आज के दिन 1947 में हमारे देश को आजादी मिली थी, मगर एक बार आत्ममंथन किया जाए कि क्या ये आजादी वही है जिसके अपने हमने सपने देखे थे? शायद नहीं, बहुत सारी चीजें बदलनी बाकी हैं। तो बस अपनी अपनी कुछ पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ
मनोज चौहान जी को जो आके हमें हमें आजादी का मतलब बताएंगे। बस दो पंक्तियां कहती हूँ जो जो जहां या जो आजादी हम चाहते थे उसकी, कि बनाना चाहती हूँ एक ऐसा जहां जहां सिर्फ प्यार हो, बनाना चाहती हूँ एक ऐसा जहां जहां सिर्फ प्यार हो, खुशी जहां हर फर्द का अधिकार हो, अमन और चैन की नींद आए सबको, अमन और चैन की नींद आए सबको, फिर किसी कबीले में ना कोई बीमार हो, फिर किसी कबीले में ना कोई बीमार हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत स्वागत आपका मनोज जी, बहुत स्वागत, स्वागत है मनोज भैया, स्वागत है, बहुत स्वागत। वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, मिटा दूं दुश्मनों को दिल में ये आह्वान जिंदा है, वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, मिटा दूं दुश्मनों को दिल में ये आह्वान जिंदा है, हमारे देश के दुश्मन हमारी बात को सुन ले, अभी तक खून में दिल्ली का वो चौहान जिंदा है, अभी तक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छा भैया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया काव्य पाठ, बहुत 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 सुंदर। इसी क्रम में इसी शाम को आगे बढ़ाते हुए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ मैं डॉक्टर राजीव पांडे को। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने कार्य पाठ को प्रारंभ करता हूँ, स्वागत है, कुछ जी कुछ पंक्तियां रखता हूँ। कुछ घटनाएं देश के अंदर हुई और विदेश की कुछ ताकतें, चीन हो चाहे वो पाकिस्तान, इस प्रकार काम करते हैं जो हमें लिखने विवश कर देते हैं। लगता नहीं इनसे वार्ता इनसे कहीं की जा सकती है, हमें लिखना पड़ता है। वार्ताओं से कोई हल, वार्ताओं से कोई हल अब तक निकलाना, अब नहीं वार्ता का सिलसिला चलाइए, वार्ताओं से कोई हल अब तक निकलाना, अब नहीं वार्ता का सिलसिला चलाइए, सीमा पर चलते, सीमा पर चलते गुलाम कश्मीर में जो प्रशिक्षण शिविरों पे गोले बरसाइए, और बंकर और चौकियां शेष बचे जो भी पार, बंकर और चौकियां शेष बचे जो भी पार, अगला निशाना ठीक उनको बनाइए, और लोहार वाली भट्टी में, लोहार वाली भट्टी में हो गया है लोहा लाल, जोरदार ढंग से हथौड़े को बजाइए, जोरदार ढंग से हथौड़े को बजाइए। और एक क्योंकि ये स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है 3 दिन पूर्व में, जिन्होंने हमारे लिए देश के लिए कुर्बानियां दी हैं उनको मैं एक छंद के माध्यम से याद करता हूं, और हमारा कदम क्या होना चाहिए उसके लिए व्यंगित करता हूं। कुर्बानियों का मूल्य, कुर्बानियों का मूल्य जानता है सारा देश, नहीं कोई बात निराधार होनी चाहिए, कुर्बानियों का मूल्य जानता है सारा देश, नहीं कोई बात निराधार होनी चाहिए, देसी या विदेशी चाहे मोर्चा हो कैसा कहीं, बिल्कुल कुंद नहीं धार होनी चाहिए, एहसास आपको है, एहसास आपको है जिम्मेदारियों का खूब, इज्जत कभी न तार तार होनी चाहिए, लुका छिपी वाला खेल, लुका छिपी वाला खेल खूब हो चुका है अब, इस बार जंग आर पार होनी चाहिए, इस बार जंग आर पार होनी चाहिए। देश के प्रति हमारे कुछ फर्ज है, और फर्ज जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं उनके प्रति भी मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। आज भी चमझदार, आज भी चमझदार फंसी हुई पतवार, कूद पड़ो बीचधार कैसे भी बचाइए, जब चारों ओर से हमारे शत्रु हमारे आसपास हों तब मुझे लिखना पड़ता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज भी चमझदार फंसी हुई पतवार, कूद पड़ो बीचधार कैसे भी बचाइए, चारों ओर से प्रहार, चारों ओर से प्रहार सभ्यता न जाए हार, मांझ डालो तलवार देर न लगाइए, और चौके छक्के जोरदार, चौके छक्के जोरदार करो शत्रु का संहार, कुछ न रखो उधार आज ही चुकाइए, और चारों ओर से पुकार, चारों ओर से पुकार आपके ही दरबार, आप मेरे चौकीदार शत्रु को मिटाइए, आप मेरे चौकीदार शत्रु को मिटाइए, आप मेरे चौकीदार शत्रु को मिटाइए।
और अभी चीन ने कुछ गुस्ताखी की तलवान के अंदर जी। उसके बाद कुछ पंक्तियां हमारी कलम से निकली हैं, मैं आप लोगों के बीच रखता हूँ। सुनिएगा सब, विश्वासों का गला दबा कर छुरा पीठ में भोंक दिया, विश्वासों का गला दबा कर छुरा पीठ में भोंक दिया, शांति वार्ता छोड़ अधर में, शांति वार्ता छोड़ अधर में, देश समर में झोंक दिया, विश्वासों का गला दबा कर छुरा पीठ में भोंक दिया, शांति वार्ता छोड़ अधर में, देश समर में झोंक दिया। क्या स्थितियां बनी थी और कैसे हुआ ये सब, गुप्त अंधेरे में घुस आना, गुप्त अंधेरे में घुस आना कायरता का परिचय है, गुप्त अंधेरे में घुस आना कायरता का परिचय है, सोच समझ कर चाल चली है, सोच समझ कर चाल चली है, नहीं कोई ये अभिनय है, सोच समझ कर चाल चली है, नहीं कोई ये अभिनय है, बार किया सोते सिंहों पर, बार किया सोते सिंहों पर घोर घिनो नीचाल है, बार किया सोते सिंहों पर घोर घिनो नीचाल है, किया निमंत्रित खुद ही तुमने, किया निमंत्रित खुद ही तुमने, जगा दिया महाकाल है। चेतावनी निकलती है उसके बाद हमारी पंक्ति, खुद ही तुमने जगा दिया महाकाल है, माँ का दूध पिया होता तो, माँ का दूध पिया होता तो ताल ठोक कर आ जाते, माँ का दूध पिया होता तो ताल ठोक कर आ जाते, तो निश्चित अपनी कथनी का, तो निश्चित अपनी कथनी का पुरस्कार को पा जाते, तो निश्चित वा, अपनी वा, वा। पुरस्कार को पा जाते, बहुत सुंदर वाह, तो निश्चित अपनी कथनी का पुरस्कार को पा जाते, लेकिन फिर भी हमने दिखाया दम, तो निश्चित ही अपनी कथनी का पुरस्कार को पा जाते, और 20 का बदला 43 से, 20 का बदला 43 से, ये तो ट्रेलर देखा है, नरमुंडों से पट जाएगी पूरी सीमा रेखा है, नरमुंडों से पट जाएगी पूरी सीमा रेखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो लोगों की फितरत होती है विस्तारवादी नहीं होती है, पढ़ता हूँ, दूध छटी का याद दिलाना ये तो अपनी फितरत है, दूध छटी का याद दिलाना ये तो अपनी फितरत है, अभी तलक तो प्रेम दिखाया, अभी तलक तो प्रेम दिखाया, अब देखेगा नफरत है, अभी तलक तो प्रेम दिखाया, अब देखेगा नफरत है, हम 62 से बदल चुके हैं, हम 62 से बदल चुके हैं, इसको शायद भूल गया, हम 62 से बदल चुके हैं, इसको शायद भूल गया, इसीलिए ये नादानी में मौत कुएं में झूल गया, इसीलिए ये नादानी में मौत कुएं में झूल गया, इसीलिए ये नादानी में मौत कुएं में झूल गया। वाह वाह, विस्तारित सीमा करने को, जिसकी जो ड्रैगन की चाल है, विस्तारित सीमा करने को, विस्तारित सीमा करने को ड्रैगन ने इच्छा पाली, विस्तारित सीमा करने को ड्रैगन ने इच्छा पाली, और भयंकर भूलों से ही, और भयंकर भूलों से ही मौत निमंत्रित कर डाली, विस्तारित सीमा करने को ड्रैगन ने इच्छा पाली, और भयंकर भूलों से ही मौत निमंत्रित कर डाली। और भारत वंश की मर्यादा को याद दिलाना चाहता हूँ, भरत वंश की मर्यादा के, भरत वंश की मर्यादा के हिंदुस्तानी रक्षक हैं, भरत वंश की मर्यादा के हिंदुस्तानी रक्षक हैं, जिसके सिर पर काल विराजत, जिसके सिर पर काल विराजत, उसके हित हम तक्षक हैं, जिसके सिर पर काल विराजत, उसके हित हम तक्षक हैं। और पूरी सिद्धत के साथ कहना चाहता हूँ, शंभु शिखर पर बैठ गए हैं, शंभु शिखर पर बैठ गए हैं, नेत्र तीसरा खोल कर, शंभु शिखर पर बैठ गए हैं, शंभु शिखर पर बैठ गए हैं, नेत्र तीसरा खोल कर, जिनपिंग के पुरखे भी सुन ले, जिनपिंग के पुरखे भी सुन ले, यहाँ करते हैं बोल कर, जिनपिंग के पुरखे भी सुन ले, यहाँ करते हैं बोल कर, हमने शास्त्रों में पढ़ा है, और उसके बाद को कहना चाहता हूँ, जिनपिंग के पुरखे भी, और अंतिम पंक्तियां रखता हूँ, जिनपिंग के पुरखे भी सुन ले, यहाँ करते हैं बोल कर, और सो के ऊपर एक हुई तो, सो के ऊपर एक हुई तो गाली सहन न करते हैं, सो के ऊपर एक हुई तो गाली सहन न करते हैं, और बंसी वाले हाथों में भी चक्र सुदर्शन रखते हैं, बंसी वाले हाथों में भी चक्र सुदर्शन रखते हैं, बंसी वाले हाथों में भी चक्र सुदर्शन रखते हैं, चक्र सुदर्शन रखते हैं। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत बढ़िया, और बिल्कुल उम्दा कहा आपने कि बंसी वाले हाथों में भी चक्र सुदर्शन रखते हैं, तो हमारी खामोशी को कमजोर ही ना समझी जाए, बिल्कुल बहुत बहुत